हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का जो अपडेट आ रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, जहां पर इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल है फीमेल है दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस तरह अप्लाई करना है, तो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसमें आप अपनी सिटी और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल साइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजिट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपको प्रॉपरली गाइड किया गया है किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अभी हम बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आई हुई वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पर इंडिया में आप किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल है फीमेल है दोनों ही इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना भी आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कोई भी अदर मोड इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने का नहीं है। इनकी ऑफिशियल साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक पे जब क्लिक करना है, लास्ट में क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट लिंक। इंपॉर्टेंट लिंक में जो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा वो मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ फिल कर देनी है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, फादर नेम, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से पास आउट किया आपने और कब पास आउट किया, कितनी परसेंटेज थी आपकी एंड अदर इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके सबमिट कर देना है ऑनलाइन। और इनमें जो वैकेंसीज आउट हुई है इसमें सैलरी इस बार आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है और फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपकी जो रहने वाली है 53,130 से 1,60,000 एंड प्लस आपको HRA पे किया जाएगा एज पर नॉर्म्स। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से हर साल आपको पता है वैकेंसीज आती हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 106/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर है और अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो चुका है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर किया है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 1 अप्रैल 2021 तक आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। उसके बाद इसमें आपका जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम डेट्स इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं की है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फ़ी किसी भी रीज़न से पे नहीं कर पा रहे हैं 1 अप्रैल तक, तो आप 7 अप्रैल तक आप पे कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी और अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है इन वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है और किस तरह आपको अप्लाई करना है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप SSC, रेलवे या फिर बैंक के किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 10th लेवल के एग्ज़ाम हो, 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हो, तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग पॉइंट है, जहाँ पर आपको 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अलग अलग इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप फ्री क्लासेस के भी ये भी इनरोल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तानिया, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार जरूर से जाकर चेक कर लेना। अगर आप SSC, रेलवे या बैंक के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एनरोल भी ज़रूर से कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज आउट हुई है इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, मतलब अगर आप जनरल या फिर OBC कैंडिडेट हैं, आपकी 600 एप्लीकेशन की फ़ी है प्लस 50 रुपीज़ जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी है, मतलब 650 एप्लीकेशन की फ़ी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल कैंडिडेट है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको 150 एप्लीकेशन की फ़ी पे करनी है प्लस 50 रुपीज़ जो है वो प्रोसेसिंग फ़ी है, मतलब आपकी 200 एप्लीकेशन की फ़ी हो जाती है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो टोटल जो वैकेंसीज आउट हुई है 55 वैकेंसीज का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। सैलरीज में मैंने आपको पहले भी बताई है 53,130 से 1,60,000 प्लस HRA आपको पे किया जा रहा है। इसमें जो पोस्ट आउट हुई है वो CDPO की पोस्ट है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। CDPO मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की ये वैकेंसीज है, जो कि परमानेंट वैकेंसीज है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपकी 3 स्टेजेस सिलेक्शन होने वाली है।
है, पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, देन आपकी इंटरव्यू होगी, उसी के बेसिस पे इन वैकेंसीज के लिए आपकी सिलेक्शन होने वाली है। और जो प्री एग्ज़ाम आपका है बिल्कुल सिंपल है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज के ही सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे और 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका जनरल हिंदी एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपके जो है 400 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद 120 मार्क्स की इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स रखे हुए हैं, मतलब इंटरव्यू भी आपकी होगी। तीनों स्टेजेस के बेसिस पे आपकी इन वैकेंसीज के लिए सिलेक्शन होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी एज मिनिमम 21 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो 37 है। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 3 साल का, मतलब आप 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ SC एंड ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, मीन्स वो 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। इसी के साथ अगर एक्स सर्विस मैन या अदर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उनको अदर रिलैक्सेशन इसमें दिया जा रहा है। और ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट की है, BPSC ने आउट की है। आपको पता है BPSC हर साल इन्वाइट करता है ऑल इंडिया के कैंडिडेट को, इन्वाइट करता है अप्लाई करने के लिए। और ये जो वैकेंसीज आउट की गई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, ये आउट की है BPSC ने। हमेशा BPSC के अंडर आपको पता है जब भी वैकेंसीज आती हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट को इन्वाइट किया जाता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंडर ये वैकेंसीज आउट करते हैं, तो BPSC ने इस बार जो वैकेंसीज आउट की है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर की है। जहाँ पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इसमें आपकी बिहार रहने वाली है। आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, मतलब अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं या अदर से, और आप बिहार के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे जनरल में इंक्लूड किए जाओगे, SC ST में नहीं किए जाओगे। मतलब जो बिहार के जनरल OBC को फी पे करनी है वही आपको पे करनी होगी। अगर आप एलिजिबल अप्लाई ज़रूर करना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आप सब जानते हैं मैं हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपके लिए वैकेंसी लेकर आती ही रहती हूँ, हर एक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ गई हैं, जो मैं अपनी ऑफिशियल साइट पर अभी अभी अपडेट करके आ रही हूँ, www.fiori.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।